जी नमस्कार दोस्तों, जी नमस्कार दोस्तों, कैसे भाई आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब दुरुस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। अभी सौरभ सर क्लास नहीं खत्म किए हैं, अब जिस लेवल पे ये सॉल्व कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-12 मिनट लेके जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सर के सेशन में जाके बोल दो, है ना। हाँ, एक बार सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया जाए दोस्तों कि वॉइस, स्क्रीन, ये सब वीडियो प्रॉपर है। एक बार सब लोग कंफर्म कर दें, सब ऑल ओके। सब ऑल ओके भाई, एक बार कंफर्म कर दिया जाए। ठीक है, डन। हाँ तो एक बार सौरभ सर अभी भी क्लास ले रहे हैं, उनसे बोल दो भाई सब लोग जाके कि बस करें। ठीक है। चलिए ठीक है। बहरहाल आप सबको पता है कि आज SBI PO का पेपर है, तो SBI PO की क्वांट हो, रीजनिंग हो, सवालों का जो लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक रखा जाता है ना। तो मतलब प्रीलिम्स में तो ठीक है, प्रीलिम्स में तो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, प्रीलिम्स में तो नॉर्मल रहता है। बस क्या है कि मतलब मुख्य परीक्षा जब होती है मेंस, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय ले के तैयारी करनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर आप SBI PO या फिर IBPS PO का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सोच रहे हो तो जल्दबाजी वाली तैयारी में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा समय ले करके तैयारी किया करें। और इसी वजह से देखो SBI PO, जैसे IBPS PO का एग्ज़ाम देखा जाए तो आई थिंक 19 और 20 अक्टूबर को है, अक्टूबर में है। तो अगर अभी से आप डेडिकेटेड IBPS PO के लिए जुड़ते हो तो भाई SBI PO का एग्ज़ाम तो उसके बाद ही होता। अगर IBPS PO के लिए डेडिकेटेड जुड़ते हो तो जाहिर सी बात है कि आप SBI PO के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो समय है, अभी स्टार्ट करने वाला टाइम है। तो जिन बच्चों का भी टारगेट SBI PO और IBPS PO है, उनके लिए आज का सेशन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे SBI PO 2022 का पेपर साथियों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो SBI PO 2022 का पेपर बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या क्या रखा गया है आज के पेपर में, देखो तो SBI PO हो या IBPS PO साथियों ध्यान रखें, ये यहां से 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिए जाते हैं जो कि आप इजीली निपटा सकें। बस होता क्या कि यूजुअली देखो तो जो बच्चे हैं वो 20 मिनट में यूजुअल जो अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के 16 से लेकर के 25 के इर्द गिर्द होते हैं, जो बच्चों के क्वांट अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है जी, क्वांट के अटेम्प्ट, ठीक है, वो ऐसा देखा गया है कि 16 से लेकर के 25 तक ऐसा अटेम्प्ट करते हैं। हम सेलेक्टेड की बात करें जो सेलेक्ट होना होता है जिनको, ठीक है जी, बाकी अटेम्प्ट करने वाले तो 5 नंबर भी अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर एग्जाम एनालिसिस के दौरान हो या फिर बाद में जो चर्चा होती है, तो 16 से लेकर के 25 तक क्वांट में बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें ये देख लो कि 10 क्वेश्चन तो ये फ्री के होते हैं, ये 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, तो ये तो 10 सबके सब करेंगे, ये 10 तो सबके सब करेंगे। मेन खेल तो उसके बाद होता है कि बाकी के जो ये हमारे 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें यूजुअली हम अरिथमेटिक को 10 और 15 नंबर की DI को एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें क्या आपका परफॉर्मेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं साथियों। आगे बढ़ने चल रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये 10 जो फ्री के हैं इन्हीं को चटकाया जाएगा, उसके बाद DI पे मूव करेंगे। और आप सबसे गुजारिश जरूर इतनी करेंगे कि अपने दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर कर दिया जाए। तो शुरू करें साथियों, स्टार्ट किया जाए। चलो तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पे अप्रोक्सीमेशन का ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अप्रोक्सीमेशन में साथियों पहला क्वेश्चन आ चुका है और टाइम आपका स्टार्ट होता है। शुरू करें भाई। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो जी, ठीक है। आवाज कम कैसे कह रहे हो यार, आवाज तो एकदम परफेक्ट आती है। आवाज थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट लग रही हो, ये बोलो ना, कम तो नहीं बोल सकते आप। हाँ कम, पता नहीं कैसे, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ अपने फोन का भाई, यहां पे चेक करते हैं। हाँ यहां पे चेक किया जाए तो नंबर क्या दिख रहा है, आपने कहा 120 दिख रहा है, डिवाइड बाई 5/8 है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड बाई 5/8 ऑफ 24। अब ध्यान से देखना, डिवाइड का साइन तो लगा हुआ है लेकिन ऑफ भी है। अब इसमें डिवाइड बाई अगर कोई और साइन होता तो हम यहां पे 5/8 को 8/5 लिख देते,
लेकिन यहाँ पे ऑफ चूंकि बीच में लगा हुआ है, यानी पहले हमें इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 बाई 8 ऑफ 24, ये इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और बगल में मल्टीप्लाइड बाई 4 लिखा है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, बोर्ड मास का बढ़िया यूज कराया गया है यहाँ पे। तो अभी ये नंबर कितनी आ जाएगी, आपको हो गया यहाँ पे 3 × 5 = 15, तो 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 8 आएगी मल्टीप्लाइड बाई 4, अब जवाब हमारा 32 के बराबर आ गया। बहुत ध्यान से समझना, इस ऑफ की जगह पे कोई भी और सिंबल होता, चाहे वो डिवाइड ही क्यों ना होता, चाहे वो मल्टीप्लाई ही क्यों ना होता, ठीक है, हम इसकी जगह पे जो डिवाइड बाई 5 बाई 8 है इसको मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 5 लिख देते, लेकिन ऑफ की वजह से मुझे पहले इतने को परफॉर्म करना पड़ा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पे, टाइम रिस्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ये भी नॉर्मल, ये भी स्पीड मैथ ही मान के चलो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करें, कंपटीशन अगर आपको थोड़ा सा रेस करनी हो तो। आवाज कम नहीं बेटा, आवाज डिफरेंट थोड़ी सी लग रही होगी, है ना। तो चलिए यहां पे आते साथियों, इस जगह पे क्या बोला गया कि 750%, ये तो हमारा 750% है जिसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 15/2, भाई 1500 डिवाइड बाई 100, 15/2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई कितना यहां पे आ गया x, प्लस आगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के बराबर, आगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, बगल में लिखा गया 356, ठीक है जी, 356 उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, 356 के बराबर। अब इस इतने को पहले परफॉर्म कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 × 4 = 10 = 35, 6 = 41, 41 और 1 मिलकर के 42, इसमें घटेगा कितना आपको, हो गया 225, तो पहले घटा ही लेते हैं हम लोग, तो 10 में 5 5, 1 × 11 = 9 3 = 1 195, इधर लिखा गया 15x/2, अब जब इसको 15 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 15 × 1 = 15, और फिर 15 × 3 = 45, 13 × 2 = 26, x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 के बराबर। तो इस सवाल का सही जवाब 26 रहा। ध्यान रहे ये 10 क्वेश्चन आपको फ्री के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको फ्री के मिलेंगे आपके SBI PO के एग्जाम में, वही आप 2022 का पेपर देख रहे हो। शाबाश, सारा खेल देखो DI का है, ध्यान रखना साथियों इसमें। तो पहले 10 थोड़ा सा एक स्टार्टर के तर्ज पे हम लोग ले रहे हैं, और उसके बाद ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 240 लिख लिया, 240 बगल में कितना है, 125%, 125% को 5/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, 4 से इसको कैंसिल करोगे 60 आएगा, 60 और 5 मल्टीप्लाई हो गया 300 हो गया, यानी x प्लस ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा टर्म 300 आ गया, माइनस इधर 6 का क्यूब कितना होता है 216 बराबर 11.9, यानी 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 के बराबर, डन। अब साथियों क्या होगा कि 300 में से 216 अगर हम घटाते हैं तो नंबर कितनी आ जाएगी हमारी, 84, यानी x की जो वैल्यू हुई वो 144 - 84, ये आ जाएगा नंबर 0 × 14 = 8 - 6, तो 60 सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अभी आप ये चेक करते रहो कि इनको करने में कितना टाइम लग रहा है, ये चेक करते रहे ना भाई, IBPS PO SBI PO उड़ाना है ना, चेक करते चलना कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन का, यानी जो फ्री फंड के 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको फ्री वाले नंबर, उनका आपके सामने चौथा सवाल है। तो 840 डिवाइड बाय x तो हो ही गया प्लस, ठीक है जी, डिवाइड बाय x प्लस 7.9 मतलब 8, 8 का क्यूब होता है 512 बराबर, यहाँ पे देखो इसको 600 पूरा एक्सपेक्ट करो, 600 आप ले सकते हैं, ये हमारा 90% लिखा है, तो 90% 600 का यानी कितना आएगा 540, और प्लस 8 का क्यूब रूट लेना यानी ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो भाई एक बात बताओ, ये हो गया 542, इस 542 में अगर 512 घटाना है यानी 42 में 12 घटाना यानी नंबर कितनी आएगी 30 के बराबर, इधर कितना है 840 डिवाइड बाई x। अब सबको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा, इसके बाद आपको स्टेप्स नहीं बढ़ाने, आपको इसके बाद आंसर लिखना है, 3 × 28 होता है 84, 828 इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे, तो ये 5 तो फ्री के हैं, जल्दी से इनको चटकाना है। ठीक है, आइए, तो
इस जगह पे कितना लिखा गया? आपने कहा 190, ठीक है जी, ये हो गया 190 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया 48 डिवाइड बाई। अब ध्यान से देखना, डिवाइड तो करना है लेकिन इसको इसमें से, क्योंकि ये पार्ट ब्रैकेट में है तो पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कितना लिखा, ये 1368, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं अलग से। तो कितना लिखा इधर हमारा, 1368, ठीक है, 1368 डिवाइड बाई कितना, 441। ये कितनी बार जाएगा भाई, 8 × 1 = 8, नहीं, अगर 8 बार नहीं तो 18 बार चेक करो, 18 × 1 = 18, 1 करिए 18 × 72 = 71, 18 बार भी नहीं तो फिर क्या 28 बार, नहीं 21 से टर्मिनेट करो ना फिर इसको, आप इसको 21 से कैंसिल करें, पहले 21 से कैंसिल करोगे 21 आएगा, फिर 21 से कैंसिल करेंगे तो 21 × 6 होता है हमारा 126, 21 × 6 होता है 126, फिर 10 आ जाएगा, यानी ये 21 से भी नहीं कैंसिल हो रहा। तो एक काम करते ना, ये पूरा ब्रेकेट वाला जो पार्ट है, जैसे ये डिवाइड बाई कितना आ रहा है, डिवाइड बाई आ रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाई आ रहा है 1368, और फिर डिवाइड बाई हमारा 44 क्या है दोस्तों, 441, तो 441 को ही हम ऊपर फेंक दे रहे हैं। अभी ठीक हुआ, ठीक है, और आगे लिख लेते हैं भाई कितना, ये 87% और बगल में लिखा 500, 87% परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 500, तो 5 × 7 कितना आ जाएगा, 35, 3 करी 5 = 40 और 3 मिलके 43, बराबर में एक्स क्यूब लिखा है। मेन खेल तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या ये 19 से कैंसिल होगा, क्या ये किससे कैंसिल हो जाएगा जो 1368 लिखा हुआ है, 7 से कैंसिल होगा, 7 या 19 से, एक बार चेक कर लेते हैं, 7 × 133, ये 19 से कैंसिल हो रहा है, तो 19 से तो ऊपर 10 आ गया, 19 × 7 होता है 133, फिर 3 आ गया तो 19 × 2 हो गया 78, ठीक है। अभी 24 से कैंसिल करते हैं इसको, 24 से कैंसिल करते हैं तो 24 × 3 = 72, 24 × 2 = 48। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 441 जो है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, ठीक है, और फिर 3 × 12, 3 × 7 = 21, 147 आ गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 294, फिर 10 से और मल्टीप्लाई होगा तो 0। भाई खतरनाक सवाल, मतलब कैलकुलेशन बढ़िया करवा दिया इस क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे आ गया 5, 4 और 3 मिलके 7, 29 और 4 मिलकर के 33, ये बराबर एक्स क्यूब, तो जवाब कितना आ गया, 15 के बराबर, ठीक है जी, ये आपका 33, 75, 15 का क्यूब लिखा है। तो ये सवाल तो आपका टाइम ले गया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं समर्थ, हाँ इसमें कैलकुलेशन हो गई तगड़ी वाली, ये जो आपके पास ये वाला जो पार्ट था इसने कैलकुलेशन करवा लिया। अब एक बार आप सब लोग बताएं, हाँ एक बार आप सब लोग बताएं कि नहीं, वो तो पढ़ाई के टाइम होता ही है, कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि कोई चप्पल पहन रहा है, नहीं पढ़ाई के टाइम में तो मैथ से सब घबराते हैं ना, पढ़ाई के टाइम में मैथ पढ़ने का मन किसका करता है, नहीं, फिर क्या होता है, एग्जाम टाइम में मैथ्स टू मॉडरेट, क्वांट टू मॉडरेट, तो ये तो जग जाहिर है, उसमें क्या है, ठीक है। तो अभी इसको 5 सवाल में तो कहीं पे भी वक्त नहीं लगा, ऐसे ही 5 फ्री के और आपको दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सबसे गुजारिश जरूर करेंगे यार, थोड़ा शेयर वगैरह करो, मतलब क्या एसबीआई पीओ, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा एसबीआई पीओ रेंज के बाहर का एग्जाम है, इसी चक्कर में कुछ लोग हो जाते हैं। भाई हम बार बार कहते हैं 50 किलोग्राम वजन उठाने की एक प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस करो तो 70-80 किलोग्राम पे प्रैक्टिस करो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रैक्टिस करो। और एसबीआई पीओ के ही बारे में मैंने कहा था आपको कि अगर आपने एसबीआई पीओ की तैयारी जी जान से कर ली तो बैंकिंग, तो एसबीआई पीओ ऐसा एग्जाम है जो आपको बैंकर बना के छोड़ेगा, आप खाली नहीं रहोगे अगर एक बार जी जान से इस एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया तो। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं साथियों, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन, ओ आपका अप्रोक्सीमेशन तो हो गया, आप क्वाड्रेटिक पे मूव करते हैं, किया जाए भाई फटाफट से। चलो इसी 5 के बाद अब आपका डीआई अर्थमेटिक सब शुरू होगा, ऑप्शन सी, हाँ यहां पे पूरा खेल सकते हैं आप लोग, बहुत ही नॉर्मल टाइप का सवाल है। अच्छा एक बात देखो जरा, पहले वाला जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, कि x² + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 5x + 6 = 0, तो पहली इक्वेशन तो इतनी छोटी हो गई है, तो x की जो वैल्यूज आएंगे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, y के जो रूट्स आएंगे साथियों इसमें भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। अभी x में 6 से 5 चाहिए, इसका मतलब क्या, 3 और 2, यहां पे 25 से 10 चाहिए, यानी 5 × 5 = 25, 5 और 5 मिलकर 10,
कोई कोफिशियंट नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करो, 3 5 से छोटा दिख रहा है बड़ा होगा, 2 भी 5 से छोटा दिख रहा है तो बड़ा होगा, इसलिए जवाब क्या रहा, ग्रेटर देन वाई। साथियों ग्रेटर देन वाई ऑप्शन सी पे दिख रहा है, ध्यान रखना ऑप्शन सी पे दिख रहा है ग्रेटर देन वाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। सवाल छोटे हैं, खींच के चटकाना है, ध्यान रखिएगा साथियों। बढ़िया, ठीक है, हो गया समय समाप्त, टाइम अप, चल बहुत बढ़िया। तो अगर x की वैल्यूज देखा जाए, x की वैल्यूज कितनी है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, दोनों रूट्स पॉजिटिव। y की वैल्यू साथियों चेक करें, नेगेटिव 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 दिख रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, 15 से 8 चाहिए, इसका मतलब 5 और 3 हो गया, यहां पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू 6 आता है, 6 के डिफरेंस हमें चाहिए 5, यानी 6 और 1 हो गया। अब कोफिशियंट देख लो, y का कोफिशियंट 2 है, x का कुछ नहीं, यानी x में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोफिशियंट बराबर हो जाए। अभी ये पॉजिटिव नंबर है 10, ठीक है जी, दोनों से बड़ी ही होगी, x बड़ा हो गया y से, ये 6 दिख रहा है, 6 के बराबर है, और ये 6 इससे तो बड़ा ही है, तो जवाब क्या आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू y, ग्रेटर और इक्वल टू y ऑप्शन ए पे दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, डन, नेक्स्ट पे मूव किया जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट। ठीक है, जल्दी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। राहुल नंदी ऑप्शन डी, राहुल आनंद ने ऑप्शन ए ई बताया, उसके बाद सब डी बता रहे, चेक करते भाई। तो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएंगी साथियों वो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएंगी, और वाई की जो वैल्यूज आएंगी, वाई की वैल्यूज वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 90। ठीक है, कितना आएगा 90, और 90 का डिफरेंस 1 चाहिए, यानी 10 और 9। ठीक है, फिर यहां पे 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 140, और 140 को हमें जोड़ने पे 24 चाहिए, इसका मतलब 14 और 10 कह सकते हैं ना, 14 हम 140, 14 10 24। अच्छा जी, 6 और 4 को बराबर करने के लिए, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, 6 और 4 को बराबर करने के लिए हमें कोफिशियंट को बराबर करना, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा अपना। ठीक है, सेम वही काम, यानी ऊपर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले नंबर्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आपको करना है कंपेयर। देखो जी, ये नेगेटिव नंबर है और इन दोनों से छोटी ही होगी, यानी x यहां पे छोटा दिख रहा है, जबकि ये 18 लिखा है, 18 इस 42 से तो छोटा है, 18 इस 30 से भी छोटा है, तो जवाब क्या रहा, लेस देन y, x लेस देन y, ऑप्शन डी, लेस देन y सबका आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का यहां पे ई ऑप्शन भी आ गया था, हाँ कुछ लोग सीएनडी भी बता दे रहे थे, कुछ तिकड़म भी लगाते ना अपने टाइप का, अपने टाइप का भी कुछ लोग टिकटम खोज लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये 10 आपको हर पीओ के एग्जाम में प्रीलिम्स में फ्री के नंबर दिए जाते हैं, कि भैया अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो आप, तो आप कम से कम ये 10 सवाल तो कर लो, ऐसा इसमें भी होता है ऐसा कि कुछ लोग कहते हैं मेरा तो 6 अटेम्प्ट था खाली, इस एग्जाम में भी 6 6 अटेम्प्ट करके आते, 4 अटेम्प्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो ऊपर वाली इक्वेशन में x के रूट्स क्या मिल जाएंगे, x के जो रूट्स मिलेंगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, y के जो रूट्स मिलेंगे साथियों वो भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, 5 × 10 मल्टीप्लाई करो ना भाई, 10 आ गया, 10 से 11 चाहिए, यानी 10 और 1। ठीक, यहां पे 4 × 3 12, 12 से हमें 13 चाहिए, इसका मतलब 12 और 1 हो गया। कोफिशियंट बराबर करना है, 5 और 4 को बराबर करने के लिए 20 बनाना पड़ेगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका तो देख के रिजल्ट दिख रहा है सीएनडी, है ना, देख के पता, इतना इंबैलेंस है, मतलब कि अपने आप ही दिख रहा है कि मतलब सीएनडी आएगा भाई। ये 40 लिखा गया, ये 60 है, 40 60 से छोटा दिख रहा है लेकिन बड़ा होगा। ठीक है, और ये 40 5 से बड़ा दिख रहा है इसलिए क्या होगा, छोटा होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ई। तो ये तो जब भी कभी रूट ऐसा हो ना कि एक 10 मतलब बड़े, एक तरफ खूब बड़ा रूट और दूसरा वाला खूब छोटा,
तो ऐसी कंडीशन में तो सीएनडी होना ही होना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल साथियों, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, डन। तो ये तो नॉर्मल लग रहा है भाई, है ना? ये तो किसी भी क्लर्क में भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है एकदम। एक्स के दोनों रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आएंगे, इसके भी दोनों नेगेटिव आएंगे भाई। 108 से 21 चाहिए, 12 × 9। ठीक है, यहाँ पे 45 से 14 चाहिए, इसका मतलब 9 और 5 हो गया। अब यहाँ पे बारी कंपेयर करने की, तो 12 इन दोनों से क्या दिख रहा है? बड़ा, इसका मतलब छोटा होगा। 9 इस 9 के बराबर दिख रहा है, 9 इस 5 से बड़ा दिख रहा है, छोटा होगा। तो जवाब क्या आ गया? लेस और इक्वल टू आई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा। तो ये 10 क्वेश्चन ध्यान रखें साथियों, ये आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं और ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। हर एग्जाम मतलब हर IBPS PO SBI PO दोनों। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि मैंने बताया ना कि जो यूजुअल अटेम्प्ट होते हैं बच्चों के, यूजुअल अटेम्प्ट वो होते हैं 16 से लेकर के 25 के इर्द गिर्द। इन दोनों एग्जाम की बात कर रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे भी कुछ बच्चे तो जरूर होंगे जिन्होंने पिछले साल SBI PO या IBPS PO दिया था। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना अटेम्प्ट जरूर बताया, है ना? ऐसे भी बच्चे जरूर होंगे जिन्होंने 2022 का ये पेपर भी दिया होगा। भाई कम होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो ये आप सोचो ना कि इस पेपर में, जबकि 10 अभी 10 क्वेश्चन तो आपने भी देख लिया, तो कोई अगर 11 अटेम्प्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इस 10 क्वेश्चन के अलावा सिर्फ एक आध क्वेश्चन किया, सिर्फ एक क्वेश्चन। चलिए, अब इसके बाद जो मेन खेल होता है देखो इन दोनों एग्जाम का, वो होता है DI। 15 सवाल आपको तकरीबन DI के दिए जाते हैं, 15 क्वेश्चन DI के दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने 18 अटेम्प्ट किया था, मेरा 15 था। तो ये बता रहे 16 से 25 के इर्द गिर्द अटेम्प्ट होते हैं यूजुअली। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो हमारे DI का पूरा खेला है उस पर मूव करते हैं साथियों। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना भी सवालों को। ये जो DI है ना, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है? अच्छा, DI को अटेम्प्ट करने का भी तरीका बताते हैं। जैसे अभी ये टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है ना? तो टेबल में दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करें जैसे टेबल में इंफॉर्मेशन है तो इसके माध्यम से अपनी भी एक टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइन ग्राफ दिया जा रहा है, बार ग्राफ दिया जा रहा है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अपने अलग से अपना एक नोट कर लो, जो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब चलो जी, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, इस बिना से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे जो इंफॉर्मेशन है इसमें एडल्ट और चिल्ड्रन के बारे में बताया गया, और एडल्ट को इन्होंने डिफाइन भी किया है। इन्होंने एडल्ट को क्या डिफाइन किया है कि इसमें मेल और फीमेल सिर्फ 2 लोगों को शामिल किया जाएगा, बाकी चिल्ड्रन में मेल फीमेल हो रहे हैं उनको नहीं, उनको अलग से रखा गया। जो चिल्ड्रन में मेल फीमेल है उनको अलग से रखा गया, ठीक है ना? उनको सबको चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाल दिया गया। एक चीज और दी गई यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल विजिटेड ऑल 4 पार्क्स वो है 2700। तो एक बार सब लोग पी की वैल्यू जरा बताएं भाई। सारे के सारे जो मेल विजिट कर रहे हैं साथियों, इनका टोटल नंबर जो है वो कितना है? 2700 के बराबर है। तो अब यहां पे जरा टोटल मेल का नंबर आप सब लोग बता दें कैसे होगा। इन सबको एड करें तो 4500 × 60 × 60 × 40 × 100 ये कितना आ गया? 180p, यानी 180p की वैल्यू 2700 के बराबर। तो पी की वैल्यू डायरेक्ट 15 लिख दें भाई, इतनी टेबल तो याद ही होगी, 18 × 15 = 270 होता है। P की वैल्यू 15 आ गई। अच्छा, P की वैल्यू 15 आने से क्या हुआ कि हमें मेल के नंबर मिल गए, 15 × 8 = 120, ये नंबर 1200 आ जाएगा। 15 × 4 = 60, ये नंबर 600 आ जाएगा। 15 × 15 = 225 आ जाएगा। यहाँ पे 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 7 मिल गए तो 675 आ गया। अब अगर हम जैसे कि यहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो नहीं दिया गया ए और बी पार्क में, बाकी अगर हम पार्क सी में देखें तो मुझे मेल फीमेल का रेशियो दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको मेल का नंबर पता चल गया 675, तो भाई यहां पे फीमेल का नंबर भी तो बता सकते हो। कैसे भाई? 9 यूनिट जो है हमारा वो 675 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट कितना होगा? 675 / 9, यानी 9 × 7 = 63, और फिर 9 × 5 = 45, एक यूनिट 75 के बराबर आ गया। तो 75 × 4 कितना आ जाएगा? 300 के बराबर। तो ये भाई हमारे फीमेल, ये हो गए मेल, और टोटल जो है एडल्ट और चिल्ड्रन मिला करके वो है 1200। तो अगर हम सी में चिल्ड्रन की संख्या आपसे पूछें, सी में अगर आपसे चिल्ड्रन की संख्या पूछे, तो 1200 में कितना घटाएंगे आप? 675 + 300, यानी 975। तो
तो 1200 में से अगर हम 975 घटा दें तो हमें चिल्ड्रन का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 675 मेल 300 फीमेल ये दोनों मिलाकर के एडल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अलावा जो बचा वो चिल्ड्रन का नंबर है। तो 1200 में से अगर हम 975 घटाएंगे तो नंबर कितनी आ गया, 1200 में 1000 घटा दो 225 आ गया ये पूरा, ठीक है। तो 225 क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, क्लियर रहा इतना, मेल फीमेल चिल्ड्रन डन। अब आइए साथियों सवालों पे मूव करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और प्यारी डीआई है, बहुत जबरदस्त डीआई, ठीक है। आप आज आपने एसबीआई पीओ 2022 का रीजनिंग का भी पेपर किया, अभी आप क्वांट कर रहे हो, अब आप बताना कंपैरेटिवली मुश्किल कौन सा ज्यादा लगता है आपको। ठीक है, तो भाई इसका भी आंसर बहुत जल्दी बता दिया गया है, एक बार चेक करते हैं। कहा जा रहा है कि टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ए, एक चीज और यहां पे हम नोट करके लिख देते हैं कि भाइयों आपने पी की वैल्यू 15 निकाल रखी है, पी की वैल्यू 15, ठीक है। अब यहां पे फीमेल का नंबर दिया गया कि पार्क ए जो विजिट कर रहे हैं वो 255 ज्यादा है, किससे भाई, चिल्ड्रन के कंपेयर में, ठीक है जी। और चिल्ड्रन कौन से पार्क, पार्क सी से कंपेयर किया जा रहा है। और अब आपको टोटल चिल्ड्रन बताना है जो पार्क ए विजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पे जैसे फीमेल का नंबर दिया गया पार्क ए में 255 ज्यादा, टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क सी, तो पहले पार्क सी में हमें चिल्ड्रन का नंबर निकालना है। अच्छा जी, पार्क सी में चिल्ड्रन का नंबर तो तुरंत तुरंत अभी अभी निकाला हम लोगों ने, भाई हमने पार्क सी में ही तो चिल्ड्रन का नंबर निकाला है, कितना है वो 225, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो पार्क सी में जो चिल्ड्रन का नंबर है, ठीक है, वो है हमारा 225, ठीक है, 225। इसका मतलब पार्क ए में जो फीमेल का नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोला गया 255 ज्यादा, यानी इसी 225 से 255 ज्यादा ये आ जाएगा। तो कितना हो गया, 55 और 25 मिलकर के 80, और दो मिलकर के 4। इसका मतलब पार्क ए में जो फीमेल विजिट कर रही है उनकी संख्या 480 है, जो मेल विजिट कर रहे हैं, पी की वैल्यू 15 रखोगे तो मेल की वैल्यू कितनी है भाई, 15 गुणे मतलब ये आ जाएगा 1200 के बराबर, ठीक है। तो जो मेल विजिट कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 1200, लिख लेते हैं पार्क ए में मेल की संख्या कितनी है, 1200। आपको बताना है चिल्ड्रन का नंबर जो पार्क ए में विजिट कर रहे हैं, चिल्ड्रन का नंबर कैसे मिलेगा, इसी 2200 में से, इसी 2200 में से आपको एडल्ट का नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें एडल्ट और चिल्ड्रन मिल करके हैं। एडल्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल का नंबर प्लस मेल का नंबर, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 1680। तो इस प्रकार से जो चिल्ड्रन का नंबर आया यहां पे, वो चिल्ड्रन कितना आ गया, 2200 में 1700 घटा दो तो 500 बचता है, और 1700 से 20 कम है तो 20 और बढ़ा दो, तो कितनी आ जाएगी नंबर, 520 के बराबर। अब ये डीआई आप ये चेक करें कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम कंज्यूम करेगी ये डीआई, इस पे आप दिमाग लगाएं, ठीक है। तो 520 डन रहा, अगले सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। पी की वैल्यू आप 15 निकाल चुके हो, वो लिख लो आप, ठीक है भाई, चलो जी बढ़िया, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आप टाइमर चल रहा है वो अलग विषय है, आप 40 सेकंड ले लो, आप एक मिनट में सॉल्व कर लो। अरे अभी सीखोगे नहीं तो कैसे फिर बाद में अपने आप थोड़े सीख जाओगे, कभी तो सीखेंगे ना आप। बस हमेशा आपको ये चीज समझाते हैं यार कि डीआई जब प्रीलिम्स की सॉल्व कर रहे हो टीचर के साथ साथ सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरुआती पीरियड में टीचर के साथ साथ सॉल्व करो डीआई, फिर उसके बाद उसी टाइप की प्रैक्टिस करो 4-5 सेट, इतना ही तो करना है। नहीं हो पाएगा, बहुत बढ़िया राहुल आनंद, देखो क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन ने कितनी जल्दी बता दिया, भैया ऐसे भी बच्चे हैं जो इतनी जल्दी आंसर दे दे रहे हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो पार्क बी में फीमेल विजिट कर रही हैं वो 400/3% मोर वर्ड यूज किया गया, ध्यान देना साथियों, पहले तो 400/3% की फ्रैक्शन अगर आपसे पूछेंगे तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे 4/3, और 4/3 ज्यादा जब बोला गया तो 7/3 हो जाएगा। अच्छा किससे कंपेयर किया जा रहा है, चिल्ड्रन विजिटेड पार्क डी, तो अब यहां पार्क डी में चिल्ड्रन का नंबर निकालना है भाई, तो कैसे मिलेगा, देखो पी की वैल्यू 15 रखोगे तो मेल का नंबर 225 आएगा, ठीक, ये मेल आ गए 225, तो अभी अगर 5 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 5 और 20, और फिर 5 × 5 = 25, 45 आ जाएगी, यानी इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135,
इसका मतलब टोटल एडल्ट का नंबर कितना आएगा जी, 135 और 200, अगर 225 और 135 को जोड़ दिया जाए तो 2 1 3 35 25 60, यानी एडल्ट का नंबर कितना आ गया यहाँ पे, एडल्ट का नंबर 360 आ गया। तो चिल्ड्रन का नंबर यहाँ पे कितना मिलेगा, अगर चिल्ड्रन का नंबर निकालना चाह रहे हो इसका मतलब मुझे 480 में से ये मेल फीमेल का टोटल नंबर माइनस करना पड़ेगा और ये नंबर मेरी आ जाएगी 120 के बराबर। तो ये हो गया जी चिल्ड्रन, कहां पे, पार्क डी में चिल्ड्रन। अब आपको पार्क बी में फीमेल का नंबर बोला जा रहा है, भाई पार्क बी में फीमेल का नंबर वो है कितना भाई, 4/3 मोर बोला गया है, इसका मतलब 7/3 लिखोगे, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ 400 बटे मोर वर्ड पे कई कई बार चर्चा हो चुकी है, तो भाई अगर हम यहां पे 4/3 मोर बोला गया तो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, और टोटल नंबर कितना दिया जा रहा है, 360 के बराबर। तो ये नंबर कितने है, 12 × 7 = 84 यानी 840 हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो फीमेल जो है वो कितनी होगी, 840 के बराबर, ठीक है, पार्क बी में। और फिर कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क बी, तो अब हमें पार्क बी में मेल भी तो देखना पड़ेगा। पार्क बी में अगर यहां 15 रखेंगे तो ये नंबर आ जाएगी 600 के बराबर, ठीक है जी, ये नंबर आ जाएगी 600 के बराबर। तो अगर हमें मेल का नंबर यहां पे चाहिए, ये तो फीमेल रही पार्क बी की, और मेल कितना हो गया आपने कहा 600 के बराबर, इसका मतलब अगर हमें चिल्ड्रन का नंबर चाहिए तो मुझे 1440 में माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ करके, 6 और 8 मिलकर के, एक सेकेंड, ठीक है, 600 और इधर आ गया 6 और 8 मिलके 40, 6 और 8 मिलके, ये तो 1440 ये भी आ रहा, कहीं मिस्टेक हुई है क्या भाई, हाँ 86.66 पर चिल्ड्रन विजिटेड पार्क बी आर व्हाट परसेंट, फाइंड द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क बी। अच्छा पार्क बी में 600 और इधर, यार पार्क बी में चिल्ड्रन तो जीरो आ रहा है, 560 और 300, कृष्णा मंदिर में 560 और 300, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हुई है, मैंने यहां पे एडल्ट का नंबर लिख लिया 360, एडल्ट नहीं चिल्ड्रन 120 है, ठीक है, मिस्टेक पकड़ में आ गई। यहां पे जो फीमेल है वो 7/3 है चिल्ड्रन के कंपेयर में, ये 120, ठीक है, तो 4, ठीक है, 3 × 12, 4 × 7 कितना आ जाएगा, 28 के बराबर, तो ये 280 हो गया, अभी ठीक हुआ, ठीक है, ये हो गया 600 और 280, यानी टोटल जो अब चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन कैलकुलेट करें तो मुझे 1440 में माइनस करना पड़ेगा, 6 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 8, 880, तो अब चिल्ड्रन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0, 14 में 8 घटाओ 6, यहाँ बचेगा कितना, 13, 13 में 8 घटा दो 5, तो चिल्ड्रन का नंबर कितना आ गया, 560। थोड़ा आप लोग भी ध्यान देते रहो भाई, मुझे पता है सॉल्व करने में कष्ट हो रहा है आपको, तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन ही अच्छा लगता है, ये तो मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन कष्ट भले हो रहा है आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा ना मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। तो ये नंबर कितनी आ गई भाई, 560 के बराबर। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन पार्क बी में विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कितने के बराबर आ चुकी है, 560, व्हाट परसेंट मोर देन फीमेल विजिटेड इन पार्क सी। देखो जी, आप पार्क सी का पूरा डेटा कैलकुलेट कर चुके हो डायरेक्शन में ही, तो पार्क सी में अगर आपसे फीमेल का नंबर पूछे जी, तो आप यहां पे निकाल चुके हैं कितना है, 300 के बराबर है ना, 300 के बराबर आप निकाल चुके हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो 560 है ना, व्हाट परसेंट मोर देन, तो ये जो 560 है ये इस 300 से कितना परसेंट ज्यादा है, यही पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ज्यादा कितना, एक एक जीरो भी कैंसिल कर दो, तो कितना ज्यादा दिख रहा है, ये 26 ज्यादा दिख रहा है, कितने पे, 30 पे, तो बताइए फिर 100 पे कितना होगा, ठीक है, 0 0 भी कैंसिल कर दो, 3 × 8 = 24, ठीक है, 26 में 24 घटाओगे 2 यानी 20 हो जाएगा, 20 का मतलब 3 × 6 = 18, फिर 86.66% आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो थोड़ी कैलकुलेशन है शुरुआत में, एक दो सवाल में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद चीजें बनने लगेंगी आराम से, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। अच्छा आप बताओ, जैसे कि जब कभी भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, थोड़ा सा भी, तो बच्चों की संख्या तुरंत घटने लगती है, इस एक्टिविटी से टीचर के, मतलब टीचर के ऊपर क्या फर्क पड़ता होगा, कभी इस पे विचार करते हो, या आप ही में इसे छोड़ के भागते हो, अभी जो लोग सुन रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद और कुछ छोड़ के भागेंगे, तो इससे आपकी, आप लोगों की क्या इमेज बनती है टीचर के दिमाग में, कि आपको कभी फील होता है, क्या कह रहे हो कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, मुझे बाकियों से क्या मतलब, ठीक है, कितना आ रहा है, 9:23 भाई, आईपीएल देखने में ज्यादा सुकून मिलता है, बात सही है,
9 रेशियो कितना आ रहा है, 23 के बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रेशियो बताना है टोटल फीमेल विजिटेड पार्क डी। ठीक है, टोटल फीमेल विजिटेड पार्क डी यहां पे वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो एक दो सवाल में थोड़ा कष्ट है, बाकी तो आप निकाल चुके हो काफी कुछ ने। देखो फीमेल जो पार्क डी में विजिट कर रही है वो 135 आप निकाल चुके हैं, है ना, 135 ये तो आप निकाल ही चुके हैं। इनका रेशियो बताना है, क्या बोला गया भाई, चिल्ड्रन विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर, ये नंबर भी निकाल चुके हो, बोलो हाँ या ना। सी और डी के चिल्ड्रन निकाल चुके हैं आप। देखो जी, डी में जो चिल्ड्रन की संख्या वो 120 है, और सी में जो चिल्ड्रन की संख्या है, सी में जो चिल्ड्रन की संख्या है वो है 225। तो 225 और इसके साथ साथ 225 और 225 और 120, ये भी दोनों तो निकाल चुके हो आप, तो 225 और 120 ये आप निकाल ही चुके हैं दोनों। तो ये नंबर आ गई हमारी 135 रेशियो, इनको ऐड कर लो, 25 और 20 मिलकर के हो गया 45, 2 और 1 मिलकर के 3। अब इनका रेशियो ले लेते हैं हम लोग भाई, किससे, 5 से कैंसिल कर दें, तो 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 के बराबर। इधर 5 से कैंसिल करोगे तो 5 36 ही आ गया, 69 के बराबर। 3 से कैंसिल कर दो तो 9, और 3 से कैंसिल कर दो तो 23, तो 9:23। देखो इस प्रकार की डीआई में क्या होता है कि एक दो सवाल सॉल्व करने के बाद क्या है कि ज्यादातर चीजें आप कैलकुलेट कर चुके होते हो, और जब चीजें कैलकुलेट कर लिए तो आगे तो उनका इस्तेमाल ही करना है। तो मुझे लग रहा है कि इन 3 क्वेश्चंस में अब आपको आइडिया लग गया है कि इस डीआई में क्या करना है, हम ज्यादा सवालों तक मूव कर सकें। इसके लिए अब इस डीआई को हम यहां पे स्किप करके, दो सवाल इसके लिए, इसके दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप कैलकुलेट कर चुके हो 3 क्वेश्चन में, आइडिया लग चुका है। इस प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का एकमात्र मोटिव यह है हमारा कि आप मतलब आइडिया लगा सके कि किस डिफिकल्टी लेवल का पेपर कौन सा एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, अब इसी टाइप की डीआई और भी आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर बुक पे, जिसपे अभी आपको ऑफ चल रहा है, ऑफर चल रहा है। आप 22% का ऑफर अभी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं Y179S रेफरल कोड के जरिए। आप अमेजन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट या फिर आप अड्डा स्टोर कहीं से मंगा सकते हो। आपको चैंपियंस रीजनिंग और दक्ष क्वांट का कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा, आप अपनी सुविधा अनुसार ये कोड यूज करके बुक मंगा सकते हैं। अगली डीआई पे साथियों मूव करेंगे, क्वांटिटी ऑफ आइटम पी एंड क्यू डिस्पैच्ड। जरा डेटा इसका ढंग से पढ़ लेना, 2022 का पेपर है ये, और इसमें कहा जा रहा है कि 4 अलग अलग दुकानें हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम पी एंड क्यू डिस्पैच एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम क्यू डिस्पैच आउट ऑफ टोटल पी एंड क्यू डिस्पैच फ्रॉम 4 डिफरेंट वेयर हाउसेज। ठीक है, मार्च महीने में। तो बस इतना से इंफॉर्मेशन है कि आपको यहाँ पे टोटल जो है आइटम पी एंड क्यू डिस्पैच, यानी यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है 480 क्या है, पी और क्यू मिला करके है। ठीक, और यहां पे जो दिया गया वो है हमारा आइटम क्यू डिस्पैच्ड, इस हिसाब से तो नॉर्मल हो गई, पी और क्यू का नंबर ही दिया गया। 480 में 220 घटा दोगे 260 आ जाएगा, तो यहां से पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं पहले सवाल पे, शुरू करते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ ये नॉर्मल लग रही है, एक बार अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे ध्यान से देखिए साथियों, आपसे क्या बताया जा रहा है, रेशियो बताएं आप किसका, टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच्ड फ्रॉम डी एंड ए टुगेदर। ठीक है जी, तो पी अगर आपको चाहिए तो यहां पे क्यू का नंबर दे भाई, इसमें से इसको हटा दो कितना आएगा 260। ठीक है, ए पे ये हो गया, डी पे भी निकाल लेते, 640 में 320 घटाओगे 320 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, 6 2 मिलकर 8, 3 और 2 मिलकर 5, 580 आ गया। टू द बी, ठीक है, टू दैट ऑफ बी एंड सी टुगेदर, यहां पे भी बी और सी का भी निकाल ही लो, तो 16 में 8 घटाओगे तो 8 आएगा, 4 में 3 1 यानी 180 आ गया, और यहाँ पे 12 में 8 घटाओगे 4, 2 में 1 140, इन दोनों का सम। ठीक है जी, इनको भी ऐड कर दो, 18 और 14 मिलकर के 32 होता है यानी 320, तो इनका रेशियो बोला गया, तो बहुत ही नॉर्मल डी आई है, कंपेरेटिवली तो बहुत नॉर्मल है ना। 2 से कैंसिल करेंगे 16, यहाँ पे कितना आएगा 29, तो रेशियो कितना आ गया 29:16, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अब ये जो डेटा आपने नोट कर लिया है, एक बार कैलकुलेट कर लिया है, अब इन्हीं का इस्तेमाल आगे वाले सवालों में हो जाएगा। चलो जी, ये तो आपकी मतलब एक तरीके से क्लर्क टाइप की डीआई हो गई है कि नहीं, तो एक डीआई ये तो क्लर्क वाली मिल गई आपको।
ठीक है, चलो। अभी इसमें क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ क्यू डिस्पैच्ड कहां से, फ्रॉम ए, ए से क्यू डिस्पैच का नंबर दिया गया। व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पी डिस्पैच डिस्पैच फ्रॉम बी एंड डी। तो बी और डी का जो पीस वाला डेटा है वो आप लिख चुके हो, बी और डी का 180 और 320 है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे, 180 और 320 इनका एवरेज ले लेते हैं, डिवाइड बाय टू, कितना आ जाएगा, 32 18 50 का था, कितना आ गया 250। तो ये जो नंबर है व्हाट परसेंट ऑफ, यानी 220 जो लिखा गया, ठीक है जी, ये इसका कितना परसेंट है, यही पूछा गया आपसे। तो कितना आ जाएगा, 88%, 25 गुणे 400, 22 चौक 88, 88%, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दी गई, मुझे पूरा यकीन है किसी और दुकान की बात की गई होगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और दुकान, ए बी सी डी के अलावा कोई और दुकान की चर्चा की गई है क्या, या किसी और महीने की बात, कोई और अलग सा दुकान होगा या अलग सा महीना होगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन में, तो भाई लाइक वाइक भी ठोकते रहिएगा आप लोग। हाँ, हो जाएगी नहीं ये वाले। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्यू डिस्पैच्ड फ्रॉम सी, ठीक है, क्यू डिस्पैच्ड फ्रॉम सी, ये तो आपको दिया, ये नंबर हो गया, ठीक है। फरवरी महीने, मैंने कहा ना, या तो अलग से कोई महीना होगा या फिर अलग सा कोई, या तो अलग सा महीना होगा या तो अलग से दुकान होगी, तभी सवालों की लंबाई बढ़ती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सवालों की लंबाई तभी बढ़ती है। तो क्या बोला इसने, फरवरी महीने की बात की गई और कहा जा रहा है कि ट्रेंड कितना है वो, जैसे फरवरी महीने की अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये तो मार्च महीने का डेटा है ना, तो फरवरी महीने में जो आइटम क्यू डिस्पैच किया गया वो 20% लेस है, यानी फिर 80% है भाई, ठीक है, 80% ही लिखते हैं, 20% कम है, इसका मतलब 80% है। अच्छा जी, 80% किसका, तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा। बोला गया टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच्ड फ्रॉम ए इन मार्च, तो ए आइटम पी की बात किया गया, तो घटाएंगे इसमें, यानी 8 में 2 6, 4 में 2, यानी ये कितना आ गया, 260 इसका भाई, ये हो गया, ठीक है, ठीक। हाँ, तो 8 6 48, 4 करिए 8 2 16 और 4 मिलकर के हो गया 20, 208। फिर इसके बाद कहा जा रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच फ्रॉम सी इन मार्च, ये वाला नंबर, टू फरवरी, एक सेकेंड, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम पी डिस्पैच फ्रॉम सी इन मार्च टू फरवरी, 5:4। तो ये तो हमने आइटम क्यू डिस्पैच देख लिया है ना, आइटम क्यू डिस्पैच देख लिया, और अब आपसे कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल आइटम पी, ठीक है, इन मार्च टू फरवरी, यानी ये तो हम लोगों ने फरवरी महीने में क्यू का देख लिया, अब हम लोग को फरवरी महीने में पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे मार्च और फरवरी का रेशियो दिया है कितना पी के लिए, 5:4। तो हम लोगों ने अभी अरे यार, ये फरवरी का हम लोगों ने निकाल लिया ना क्यू का, हमें पी की बात, पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, मार्च महीने का, अब तो सी का डेटा दिया ही है, कितना आ रहा है यहाँ से, 18 और 14 मिलके 32, 140 आ रहा है ना, 18 14 मिलके 32, तो मार्च महीने का डेटा, तो हमें पी का पता है 140, तो 4 की वैल्यू बतानी है, मतलब ये 5:4 दिया गया है हमें, 5:4 दिया है मार्च और फरवरी का पी के लिए। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 की वैल्यू अगर 140 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 28, तो यहां पे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 112 के बराबर, तो ये 112 आ गया हमारा, ठीक है जी, आइटम पी यहां पे आ गया फरवरी महीने में 112। और अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम पी एंड क्यू सी का फरवरी, तो इन्हीं को ऐड कर, 208 और 112 ऐड कर लो, 320 आपका आंसर आ जाएगा, 320 इस क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत सारे वेरिएबल हो गए ना, तो हाँ बहुत सारे वेरिएबल हो गए, कौन सा, सी पी क्यू फरवरी मार्च, तो कई बार होता है ना, बहुत सारा ऐसा जलेबी टाइप में बन जाता है दिमाग में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस यही क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा था, बाकी तो सारे नॉर्मली दिख रहे हैं, है ना, हो जाएगा आराम से, एसडीआई को भी अब यहां तक हम डेटा समझ आ ही गया, ठीक है। अब चलो केसलेट कर लिया जाए, ठीक है, चलो भाई केसलेट निपटाते हैं। तो आपका बताओ, डायरेक्ट टेबल बनेगी या फिर वेन डायग्राम,
ठीक है, वेन डायग्राम बनेगा ना, चलो निपटाते हैं भाई इसको। स्टार्ट करें, साथ साथ में सॉल्व किया जाए, क्या कहते हो? वेन डायग्राम बनेगा, साथ साथ में सॉल्व करते हैं, या आप ट्राई करोगे? जल्दी सब लोग पहले कमेंट बॉक्स में, आप खुद ट्राई करोगे या फिर साथ में ही सॉल्व किया जाए? ये नहीं आता तो बेटा कभी तो सीखोगे। बहुत बढ़िया, कृष्णा का डन हो चुका है, शाबाश। छोटा सा कंसेप्ट होता है बस, और क्या। स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, वैल्यूज फिल करते जाओ। तीन प्रकार के म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं, जैज, रॉक एंड फॉक। ठीक है, चलो साथ में करते हैं, बहुत सारे बच्चों का डन भी हो चुका है। तो तीन अलग अलग प्रकार के म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं, तो बेसिकली क्या है कि तीन सर्कल तो पहले ही बना लो, है ना। तीन सर्कल तो हम पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि तो इसमें कौन कौन से बोला गया? एक तो जैज है, ठीक है, इसके अलावा कौन सा है भाई? रॉक है, ड्वेन जॉनसन द रॉक, इसके अलावा फोक है। अब जो जो डेटा दिया जा रहा है फिल कर दे। सबसे पहले तो ये पढ़ लो, कहीं पे ऑल थ्री टुगेदर टाइप में कुछ दिया है क्या? कुछ ऑल थ्री टाइप में दिया है क्या? सबसे पहले तो यहां पे ओनली वाला डेटा दिया, ओनली जैज, ओनली रॉक, ये रेशियो है। ठीक है, चाहे तो फिल ही कर दो यार, ओनली वर्ड यूज कर दिया ना, ओनली जैज और ओनली रॉक यूज किया है, तो वो 4:3 है, चलो उसको कर लेंगे हम लोग। फिर बोला गया पीपल हु लाइक ऑल थ्री टाइप, ये मिल गया ना ऑल थ्री। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को भरने में ये चीज ख्याल रखा करो, कोशिश करो कि ऑल थ्री सबसे पहले भरो। ऑल द थ्री टाइप्स म्यूजिक इज 15, तो ये नंबर तुम्हारी 15 आ गई। ठीक है, फिर बोला गया कि ओनली फोक जो है वो 50 है, ओनली फोक जो है साथियों वो 50 है। ठीक है, और हमें यहाँ पे इन दोनों का डेटा दिया था, ओनली फोक का नंबर 50 लिख लेते हैं, और इन दोनों का 4:3 था ना, जैज का 4 था तो इसको 4x ले लेते हैं, और रॉक का था 3 यूनिट तो इसको हमने 3x ले दिया। अभी जो वैल्यू मिलती जाएगी करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर बोला गया हु लाइक जैज इज 140, तो जैज का मतलब क्या हुआ कि ये सब मिला करके 140 होंगे। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो। हु लाइक बोथ जैज एंड फॉक इज 20, यहां से उठाते हैं। ठीक है, जैज एंड फोक, तो जैज एंड फोक इनको टोटल मिला के कितना है? 20 है ना, इन दोनों को मिला के 20 है, तो अगर ये 15 है तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये जैज एंड फोक मिला करके 20 है, तो 15 और 5 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया हु लाइक बोथ रॉक एंड फोक 50% मोर देन पीपल हु लाइक बोथ जैज एंड फोक, तो जैज एंड फोक का नंबर, ये वाला जो नंबर है वो तो हमें दिया ही है 20, ये नंबर तो हमें 20 पता ही था, इससे 50% ज्यादा यानी 30 होगा कौन सा? हु लाइक रॉक एंड फोक, रॉक एंड फोक ये नंबर कितना आएगा? 30, तो ये 15 है तो ये भी कितना आएगा? 15 के बराबर। फिर बोला गया कि हु लाइक बोथ जैज एंड रॉक, जैज एंड रॉक ये हो गया। ठीक है, वो एवरेज है, हु लाइक बोथ जैज एंड फोक, रॉक एंड फोक, यानी इसी 30 और 20 का एवरेज। अभी कितना था? ये 20 था, इससे 10 ज्यादा, इससे 10 ज्यादा यानी 30 था, तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया नंबर? 25 के बराबर। ये 25 कौन है भाई? ये 25 है जैज एंड रॉक पसंद करने वाले, जैज एंड रॉक कितना है? 25, तो ये 15 है तो ये कितना आएगा? 10। अब देखो यहीं से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले डेटा से, 140 वाले डेटा से। बोला गया था कि पीपल हु लाइक ओनली फोक इज 50, वो तो लिख लिख लिया हमने। उसके बाद पीपल हु लाइक जैज इज 140, तो जैज लाइक करने वाले ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर एक बार ऐड करें आप लोग तो आप कहेंगे 4x प्लस, इनको ऐड करो 15 5 20, 20 और 10 मिलकर के 30, और ये वैल्यू कितने के बराबर है? 140 के बराबर। ठीक है जी, ये नंबर कितने के बराबर है? 140। ठीक है, जैज 140, ठीक है, रॉक 115, 15 5 20, 20 10 30, कहीं भी कुछ मिस्टेक हुई क्या मुझसे? ये नंबर तो डिविजिबल नहीं आ रहा। आकांक्षा, कहीं पे कुछ देखो, कहीं पे कुछ मैंने गलत तो नहीं फिल कर दिया? 5 की जगह 25 होगा, हु लाइक बोथ जैज एंड फोक वो कितना है? 20 है, तो 20 है अगर, तो 15 तो ऑलरेडी फिल्ड है तो 5 ही होना चाहिए, फिर अगले वाले से 50% ज़्यादा 20 से,
जैज एंड फोक 20 थे, उससे 50% ज़्यादा। कहाँ पे मिस्टेक हो गया यार, एक बार फिर से फिल किया जाए। एक काम करते हैं, एक बार फिर से फिल करते हैं, ऐसे तो गलती पकड़ में आएगी नहीं, ऐसे तो गलती पकड़ में आएगी नहीं, तो एक बार हम फिर से पूरा फिल करते हैं। है बहुत नॉर्मल सही, पता नहीं कहाँ वो हो गया। ठीक है, तीन प्रकार के वो हैं। ठीक है भाई, फिर बोला क्या कि ओनली जैज ओनली रॉक 4:3 है, ओनली जेज ओनली रॉक 4:3, इनको 4x और 3x हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद बोला क्या, बोला एक ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिक इज 15, वो भी हमारा डन रहा। ठीक है, इस पांच को भी हटा दो। फिर बोला गया कि हु लाइक ओनली फोक, वो 50 है, पीपल हु लाइक ओनली फोक इज 50 एंड पीपल हु लाइक जेज इज 5140। तो ये तो हमारे ओनली फोक हमारा 50 हो गया और टोटल जैज मिला करके 140 है, तो इस डेटा का भी हम यूज नहीं कर सकते, इसको यहीं पे रोक लो। फिर बोला गया लाइक बोथ जैज एंड फोक इज 20, तो जैज एंड फोक मिला करके 20 है ना, तो इन दोनों का टोटल टुगेदर ही तो हमारा 20 हो रहा है, जैज एंड फोक 20 हो रहा है, तो अगर ये 15 ऑलरेडी है तो यहां तो 5 ही आएगा, बताओ। पांच की जगह 20 कह रहे हैं, तो यहाँ तो फिर हम ये, चूंकि यहाँ पे ना तो ओनली वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक तो ओनली वर्ड भी नहीं यूज किया गया, और जैसा यूजुअली लिखा जाता है टुगेदर, तो अगर यहाँ पे मान लो ये भी हम कह सकते हैं कि देखो एक तरीके से तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब मान लो यहाँ पे जैसे टुगेदर वर्ड नहीं लिखा गया है, इन्होंने लिखा बोथ जैज एंड फोक, तो हम ये कर सकते हैं कि चलो भाई जैज और फोक मिला करके, जैज और फोक मिला करके कितना हो रहा है 20, तो हम यहाँ पे एक बार 20 ही लेकर के चलते हैं। वैसे तो हम यहां पे तभी यूज करते हैं जब ओनली जैज एंड फोक लिखा होता, और अगर 20 पूरा तो वैसे लिखा जाता है कि बोथ जैज एंड फोक टुगेदर। ठीक है, तो अब इसको हम ओनली ही मान करके सॉल्व करते हैं, यहां पे थोड़ी सी तो हम ये मानेंगे ना भाई कि थोड़ी फ्रेमिंग की थोड़ी कुछ तो मिस्टेक हम कह सकते हैं यहां पे, ओनली वर्ड या तो यहां पे लेके चलते। ठीक है चलो, ठीक है तो यही ओनली लेकर के चलते हैं। उसके बाद बोला गया कि रॉक एंड फोक 50% मोर है, तो भाई 20 से 50% ज्यादा रॉक एंड फोक ये मिला करके तो 30 हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाला, तो अगला तो एवरेज बोला गया था, तो 20-30 का एवरेज इसको हमने 25 कर लिया। ठीक, और इनको सबको मिला करके ये हमारा 140 हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4x प्लस, तो ये हो जाएगा 25 15 40, 40 और 20 मिलकर के 60 बराबर 140, तो यहाँ पे 4x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मुझे लग रहा है आप लोगों ने यही सॉल्व किया था। बोलो भाई, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 20 × 4 ये हमारा 80 आ जाएगा और ये हमारा 60 आ जाएगा, तो क्या आप लोगों ने यही सॉल्व किया था? बोलो, हाँ एक बार हिंदी की भी लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर सिंपली ऐसे दिया बोथ जैज एंड फोक, तो हम दोनों का कंबाइंड लेकर के चलते हैं, इस सेपरेट के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो बोथ जैज एंड फोक मतलब ओनली जैज एंड फोक बोला जाता है। आपने ऐसे भी सवाल सॉल्व जरूर किए होंगे जहां पे ऐसा लिखा जाता है कि हु लाइक जैज एंड फोक बट नॉट रॉक, ऐसे स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, ये तो फिर फ्रेम करने वाले की गलती है। एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसे मतलब एग्जैक्ट, मान लो जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, तो कुछ शब्द कई बार छूट जाते हैं, तो अगर ये जिस तरीके से डिजिट सेट की गई है और उसके हिसाब से यहाँ पे टाइपिंग एरर हम जरूर कहेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इस चीज को मेंशन किया जाता है कि द पीपल हु लाइक जैज एंड फोक टुगेदर बट नॉट रॉक, या फिर बट नॉट रॉक भी अगर नहीं लिखना चाह रहे, तो ये लिखना चाहिए कि ओनली जैज एंड फॉक, तब आप यहां 20 मेंशन करेंगे। अगर सिंपली ऐसा बोला जाए कि जैज एंड फॉक, तो इसका मतलब इसमें ये पूरी कैटेगरी शामिल होती, फिर यहां आपको 5 ही रखना चाहिए। कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो, सवाल को सॉल्व करने के लिए अपना कंसेप्ट मत डगमगाओ, ये आपको सलाह रहेगी। ठीक है, सिर्फ अपना हाँ कंसेप्ट जरूर स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना, नहीं एक सवाल सॉल्व करने के लिए पता लगा तुम्हारा पूरा कंसेप्ट ही अंदर से हिल गया, फिर आगे अगले सवाल में क्या करना है, बस सब तुक्का चले फिर सब राम भरोसे। ठीक है चलिए, तो अब ये तो हो गई हमारी केसलेट। ठीक है आइए, अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शुरू किया जाए भाई अर्थमेटिक का भी सवाल।
ठीक है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सवाल लग रहा है। अब बताओ, देखो तीनों सेट आपने डीआई कर ली, मैंने पहले ही बताया कि एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, उनके लिए डीआई ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने तीनों सेट डीआई देख ली, क्या कहेंगे आप डीआई को लेकर के? आराम से बनाया जा सकता है ना भाई। चलो तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, अब इतना सब कुछ कर चुके हो तो ये तो आपको एकदम फूंक मार के उड़ाओगे। 10% रेंट पे खत्म किया, 20% बचे हुए का फूड पे, एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग। ऐसे सिंपली आप 100 लेकर के चलो भाई, कि एक आदमी है 100 रुपए है उसकी इनकम, 10% क्या है कि रेंट पे खत्म किया, 10% रेंट पे यानी 10 रुपए उसने किस पे खत्म कर दिया, रेंट पे खत्म कर दिए। उसके बाद बचा कितना, आपने कहा 90 बच गया। इस 90 का 20% वो फूड पे खत्म करता है, 20% फूड यानी 18 रुपए वो फूड पे खत्म करता है। उसके बाद 90 में 18 घटाओ तो बचेगा कितना, आप कहोगे 90 में 10 घटाओ, 90 में 8 रहो 82 72 बच जाएगा 72। फिर बोला गया इसका 50%, इसका 50% ट्रैवलिंग पे, तो 36 रुपये वो ट्रैवलिंग पे खत्म कर देता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग यानी कि ये जो लिखा गया आपके सामने नंबर 36 इसमें, और साथ ही साथ रेंट, रेंट पे है 10 रुपये, वो है कितने के बराबर, 13,000। इनका डिफरेंस हमारे हिसाब से 26 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 13,000 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 500 हो गई, तो आपसे मंथली इनकम पूछा गया, भैया इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 रुपये आंसर। तो आपने पूरा का पूरा हर चीज का लेवल देख लिया साथियों। अब एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क की तर्ज पे देखे जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन पीडीएफ निकाल के सॉल्व करना क्योंकि वक्त हो चला है। ठीक है, और थोड़ा सा आप सबसे गुजारिश करेंगे कि अब सौरभ सर को थोड़ा बता दिया करो कि 8 बजे क्लास छोड़ दिया करें। हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेना यार। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाकी कैसा लगा पेपर पूरा का पूरा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ सिलेक्शन का पूरा माहौल चल रहा है, 13 तारीख को आप सबको पता ही है कि भव्य आयोजन है, तो उसके उपलक्ष्य में बैंक महापैक अभी आपको थोड़ा कम प्राइस में दिया जा रहा है, और वो प्राइस है आपकी 3999। इसका इसको अवेल करने के लिए आप Y179 इस कोड का यूज कर सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे किसी क्लर्क वाले पेपर के साथ, अगले दिन मिलेंगे किसी पीओ वाले पेपर के साथ। तो ये जो क्रम है कि प्रीवियस ईयर पेपर, 2-3 साल के पेपर कम से कम आपको एक बार रन करा दिया जाए, उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कुछ टॉपिक वाइज कुछ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहें, ख्याल रखें, बाय बाय।